हेलो सर, हियर इज अ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस दैट कंटेन्स इक्वल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, आपके पास एक इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, तो ध्यान से देखिए सर। एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, रिएक्टेंट गोज टू एट ए इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट। ओके, ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट लिखोगे तो उसका रेट कौन सा हो जाएगा, के फॉरवर्ड, और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट लिखूंगा तो उसका रेट कौन सा हो जाएगा, के बैकवर्ड। अगर मैं बात करूं के इक्विलिब्रियम, अगर भैया देखिए ये के फॉरवर्ड क्या है, के फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट क्या है, फॉरवर्ड रिएक्टेंट का रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट। के बैकवर्ड क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट। लेकिन आपको पूरी ओवरऑल इक्वेशन का, अगर ओवरऑल रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट चाहिए उसे क्या बोलते हो, के इक्विलिब्रियम, और वो होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। ठीक है, वो क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। अच्छा सेकंड वन, अच्छा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखिए, बताइए आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू के फॉरवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एन। आर बैकवर्ड क्या हो जाएगी, रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, के बैकवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर एन। बैकवर्ड रिएक्शन में पी क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर तुम रिलेशन निकालो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड का, ठीक है, तो ध्यान से देखिए के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इनटू क्या गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एन अपॉन में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू वन। मान लो तो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इज इक्वल टू कितना हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर एन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने उधर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल्स क्या है, मोल्स इक्वल है। लेकिन मोल्स का कैसे, मैं मोल्स से मैं कैसे रिलेशन बताऊंगा, जब तक मेरे पास स्टोइकियोमेट्री नहीं होगी। मुझे क्या चाहिए कि स्टोइकियोमेट्री चाहिए, अगर स्टोइकियोमेट्री होगी तो मैं कुछ परफेक्ट वैल्यू बता सकता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर किसकी नीड है, स्टोइकियोमेट्रिक की नीड है। किसकी नीड है, स्टोइकियोमेट्री कॉफिशिएंट की नीड है, जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इट मींस आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।